प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। मैं विदेश जा रहा हूँ। विदेश जा रहे हो? हाँ, कई देशों का दौरा करना है। अच्छा। क्योंकि मैंने आजाद हिंद फौज का गठन किया है। अच्छा। और उससे भी अगर आजादी ना मिलेगी तो मुझे बाहर विदेशों में जाकर के अपने साथ में लोगों को जोड़ना है, अपनी भारत माता को आजादी दिलानी है। अच्छा भाभी। हाँ। विदेश जाते समय क्योंकि दुश्मन तरह तरह के लगे हुए हैं मेरे पीछे, हो सकता है मैं वहां से वापस आ भी जाऊं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं वहां से वापस ना लौट पाऊं। लेकिन अगर मैं वहां से जीवित लौटा, हाँ। जिंदा वापस आया, हाँ। तो बताइए आपके लिए मैं क्या लेकर के आऊं? मेरे लिए? हाँ। मेरे लिए काम करना तुम। क्या भाभी जी? मेरे लिए एक साड़ी लेके आना। साड़ी? हाँ। साड़ी मंगवाना चाहती हूँ? बिल्कुल मंगवाना चाहती हूँ। मैं अपनी भाभी के लिए विदेश से बहुत अच्छी साड़ी लेकर के आऊंगा, और ऐसी साड़ी लेकर के आऊंगा जिसे देख करके आप खुश हो जाओगी। आप ऐसी रंग... वैसी साड़ी नहीं चाहिए मुझे। आप उसका रंग बता सकती हो? रंग? हाँ, रंग तो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन खोल के बताऊंगी क्या क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगी। अच्छा, क्या क्या डिजाइन? पल्ले पे क्या होना चाहिए, कौन से पल्ले पे क्या होना चाहिए, सारी चीज बताऊंगी। अच्छा, बिल्कुल कहिए। सुनिए मेरी बात। कोशिशी साड़ी ला दे ओ, कोशिशी साड़ी ला दे ओ, जिसकी चमक निराली। कोशिशी साड़ी ला दे ओ, जिसकी चमक निराली। जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली। ऐसी साड़ी ला दे ओ, जिसकी चमक निराली। ऐसी साड़ी ला दे ओ, जिसकी चमक निराली। ऊपर फोटो के माँ भारत के सभी आरिए हो, तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राम गोपाल आचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राम गोपाल आचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर ही पढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर ही पढ़ने को तैयार भी हो, और काले पानी पहुंचाए हो, काले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने कसाई को, शिशु साड़ी ला दे ओ, जिसकी चमक निराली। चंद्रशेखर वीर भगत सिंह ऋषि बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हो, राजगुरु राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए महसूस भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए महसूस भी हो, चलिया वाले पाक का जलसा, चलिया वाले पाक का जलसा डायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर भी चरेता हो, वहाँ ऊधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरेता हो, ऊधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरेता हो, और डायर मारा अब मर्यार, डायर मारा अब मर्या गया ना वार, साड़ी लाते हो जिसकी चमक
जिसकी चमा के निराड़ी हो, 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 सियासी सारी याद हो, जिसकी चमा के निराड़ी। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, राजा मोर ध्वज लड़का चीर, अरे राजा मोर ध्वज लड़का चीर, कृष्ण का शेर जिमाता हो, हिरणाकुश पहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाता हो, राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो, राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो, दिन आजादी का हो रे, दिन आजादी का हो, मुझे दिवाली जोशी सी साड़ी लाते हो, जिसकी चमक निराली। मुझे ऐसा लगे पल्ले नहीं फाड़ ले। हाँ, ये आजादी का जोश है, आजादी का जोश तो दिखाई दे रहा है, पर साड़ी लाने के चक्कर में आप जो ज्यादा उतावली हो रही हैं। अरे आजादी का जोश है, मातृभूमि को बचाने का जोश है, मातृभूमि को बचाने का जोश है, ये हाँ। तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जोश को थोड़ा सा होश के साथ में बताइए। नहीं नहीं, अच्छा बिल्कुल जोश में होश भी नहीं गवाऊंगी, लेकिन मेरी बहुत सुन लो। कहिए रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आजादी तैयारी दिखे गुलामी का नाश भी हो, और तुम कहाँ पे होना चाहिए बताओ, लाल किले पे तिरंगा झंडा शामी खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा शामी खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान के हैं, सरदार सिंह तूफान के हैं गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो, भारत माँ का बच्चा बच्चा दिखे आजादी के रंग में हो, भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंग में हो, अरे साकरौंद के नक्शे में आजाद भारत के नक्शे में सब दिखे हाड़ी पाड़ी बोसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली बोसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमक निराली बोसी साड़ी लाते हो, जिसकी चमक निराली।